हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चार ब्यूटीफुल एंड लेटेस्ट बिकनी ब्लाउज के डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13 लिया है, शोल्डर आर्म होल दोनों मैंने 5.5 लिया है और ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई मैंने 8.5 इंच लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और गले की लंबाई मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। अब गाइस, इस बॉक्स में अब इसको बोट नेक का शेप दे दूंगी। अब गले की टोटल लंबाई मैं यहाँ पे 10.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे भी मैं एक बॉक्स बना लूंगी। अब गाइस, इस बॉक्स पे अब इसको मैं डिजाइन का शेप दे दूंगी। तो देखिए मैं इसको किस तरह का डिजाइन का शेप दे रही हूँ। अब मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब चलिए मैं मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे दोनों ही पार्ट की कटिंग बहुत अच्छे से कर ली है। अब चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ।
गाइस हमारा पहला बोटनिक ब्लाउज का डिजाइन बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। ये बनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए गाइस अब हम दूसरा ब्लाउज का डिजाइन भी बनाना सीखेंगे। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13.5 लिया है, शोल्डर आर्म होल दोनों मैंने 6 लिया है और ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई हमारा 34 इंच का, तो 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ नीचे से मैं 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ से भी मैं 3 इंच लेके एक छोटा सा बॉक्स बना लूंगी। अब गाइस इस पर मैं बोट नेक का शेप दे दूंगी। अब गले की टोटल लंबाई मैं यहाँ पे 10.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब गाइस यहाँ से मैं 1 इंच पे एक और मार्क लगा लूंगी। तो देखिए इस तरह से हम अब डिजाइन का शेप देंगे। तो देखिए हमारा डिजाइन का शेप हो गया है। अब मैं इसके अच्छे से कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब चलिए मैं आपको मेन फैब्रिक की भी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस हमारा दोनों ही पार्ट की कटिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो चलिए गाइस अब हम मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ।
देखिए गाइस हमारा दूसरा ब्यूटीफुल सा बोटनिक ब्लाउज का डिजाइन भी बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। ये भी गाइस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए गाइस अब हम तीसरा ब्लाउज का डिजाइन भी बनाना सीखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13.5 लिया है, शोल्डर और आर्म होल दोनों मैंने 6 लिया है और ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई हमारा 32 इंच का, तो 32 का 4/4 भाग 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ गले की लंबाई मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। अब गाइस इस बॉक्स पे हम इसको बोटनेक का शेप दे देंगे। अब गले की टोटल लंबाई मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ और यहाँ से भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब गाइस इस बॉक्स पे मैं डिजाइन का इसको शेप दूंगी। तो देखिए मैं इसको किस तरह का डिजाइन का शेप दे रही हूँ। अगर आपका शेप एक बार में ना आए तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। अब चलिए मैं नेट फैब्रिक का भी कटिंग कर रही हूँ। मैं इस डिजाइन को बनाने के लिए नेट फैब्रिक का यूज कर रही हूँ। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे दोनों ही पार्ट की कटिंग बहुत अच्छे से कर ली है। अब चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ।
तो देखिए गाइज, हमारा तीसरा बोटनिक ब्लाउज का डिजाइन भी बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइज, अब हम चौथा ब्लाउज का डिजाइन भी बनाना सीखेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13.5 लिया है, शोल्डर और आर्मोल दोनों मैंने 5.5 लिया है, और ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई हमारा 34 इंच का, तो 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ, और गले की टोटल लंबाई मैं यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ, और यहाँ से भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब हम इन लाइन को एक साथ मिला लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने लाइन को मिला लिया है। अब इस पर हम 2.5 इंच पे इस तरह का मार्किंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी हमको इस तरह का लाइन बना लेना है। तो देखिए गाइस, इस तरह से हमारा दो छोटा छोटा बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब ऊपर वाले बॉक्स पे हम इसको गोल गले का शेप देंगे, और यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स पर हम इस तरह का डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए गाइस, हमने डिजाइन को बना लिया है। अब हम इसके अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने अस्तर वाले पार्ट की बहुत ही अच्छे से कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे दोनों ही पार्ट की कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से कर ली है। अब चलिए गाइस, मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ।
देखिए गाइस, हमारा चौथा ब्लाउज का डिजाइन भी बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।